हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंह। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं पाइथन के एक और कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है टपल्स। तो देखो, जो टपल्स का कंसेप्ट है ये आपको और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं मिलेगा, ये आपको पाइथन में ही मिलेगा। यूनिक कंसेप्ट है पाइथन के लिए। और अगर आपने अब तक की पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं अब तक की, तो प्लीज़ आप पहले की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी डिफिकल्टी आएगी ये चीज़ों को समझने में। तो अगर आप देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो पाइथन की जो प्लेलिस्ट है उसमें सिक्वेंशली सारी वीडियोज़ लगी हुई हैं, तो आप उन वीडियोज़ को सिक्वेंशली देखते रहें और आपको पाइथन समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। और अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो हम यहीं पर हैं, आप कमेंट करो, मैं उस कमेंट का आपको रिप्लाई करूँगा। कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं उस कंसेप्ट के ऊपर और नई वीडियोस भी बना सकता हूं, बट आपको मेरे को बताना पड़ेगा एक बारी कि क्या चीज में आपको डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं टपल के बारे में कि टपल होता क्या है एक्चुअली में। तो देखो, अभी तक हमने बात करी लिस्ट क्या होता है, हमने बात करी सेट क्या होता है। लिस्ट क्या होता है, इट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। सेट क्या होता है, इट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं सेट के अंदर, जो हमारे मैथमेटिकल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। टपल और लिस्ट में डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो हमारी टपल होती है दैट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो कि इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि व्हाट इज म्यूटेबल एंड व्हाट इज इम्यूटेबल। तो इसमें आपको बहुत छोटा सा आपको यहीं पे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है, बट इसके बारे में, इसके म्यूटेबल और इम्यूटेबल के ऊपर मैं एक वीडियो बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कुछ भी ये चीज़ों मतलब आपको ये पढ़ना है अगर। तो ठीक है, तो इम्यूटेबल वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। आपने एक वेरिएबल बनाया a इक्वल्स टू 1, ठीक है, अब 1 की वैल्यू चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती, 1 इज 1। ठीक है, वैसे ही लिस्ट के अंदर आपने वेरिएबल एक वेरिएबल बनाया लिस्ट का l इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स आ गए। अब मैं क्या इसके अंदर और वैल्यूज ऐड कर सकता हूँ, तो अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं आपको पता है कि इसके अंदर हम वैल्यूज ऐड भी कर सकते हैं और वैल्यूज डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर हम चीजें जो है चेंज कर सकते हैं। टप्पल के अंदर आपने एक बार टप्पल बना दिया, उसके बाद ना उसमें से कुछ बाहर निकल सकता है ना उसके अंदर कुछ डल सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं हम इम्यूटेबल। तो टप्पल और लिस्ट में सिर्फ ये डिफरेंस है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, मतलब टप्पल जो है वो इम्यूटेबल होता है। ठीक है, तो बस इतना सा ही डिफरेंस है आपका लिस्ट और टपल के बारे में, और ये छोटे से डिफरेंस की वजह से काफी फर्क पड़ता है। जो हमारे फंक्शंस लिस्ट में अवेलेबल थे वो हम देखते हैं कि क्या क्या फंक्शंस वापस टपल पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो लेट्स जंप टू द स्क्रीन नाउ। तो यहाँ पे हमने अपना एक जुपिटर नोटबुक खोल लिया है, तो जुपिटर नोटबुक अब तक आप मेरे को लगता है फेमिलियर हो चुके होंगे अगर आप मेरी वीडियोज फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम टपल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कि हम लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो लिस्ट बनती है हमारी ऐसे, ठीक है, और प्रिंट भी करके देख लेते हैं और इसका एक बार हम टाइप भी प्रिंट कर लेते हैं। तो बनता ये ऐसे बनती है हमारी लिस्ट। और जब हम बात करें सेट की, तो सेट आप बना सकते हो ऐसे, जैसे हम मैथमेटिकली भी बनाते हैं सेट को, और इसको प्रिंट करके देख लेते हैं और इसका टाइप भी देख लेते हैं एक बारी सेट। अब टपल कैसे बनती है, देखो, अब हर ब्रैकेट का एक मतलब होता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम डालते हैं तो लिस्ट बनती है, इम्प्लिसिट मीनिंग है उसका कि लिस्ट। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब है आपका कि ये सेट है। ठीक है, तो अब एक ही ब्रैकेट हमारे पास बचा है टपल के लिए, तो वो कौन सा ब्रैकेट है, दैट इज सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है, तो यहां पर हम डालते हैं 1 2 3 एंड 4। अब ये मेरा बना एक टपल। ठीक है, अब इसका टाइप भी देख लेते हैं, तो आपके पास आ रहा है टपल। अब मैं आपको बताता हूं म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी वाला कंसेप्ट क्या था। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं L की 0 ये क्या बताएगा, L की 0th पोजीशन, इसको मैं चेंज करके कर सकता हूं कि 1 नहीं, इसकी वैल्यू 10 कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको कहता हूं कि इसकी वैल्यू को 10 कर दो, कर दिया इसने। अब L0 अगर मैं कहूं यहां पर प्रिंट करूं, क्या वैल्यू आ रही है, 10। ठीक है, अब सेम चीज मैं करने की कोशिश करता हूं टप्पल के साथ। पहले तो देखते हैं कि टप्पल को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, सेम वे जैसे हम लिस्ट को एक्सेस करते थे टप्पल को भी वैसे ही कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है, बट क्या मैं अब ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं, अगर तो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इम्यूटेबल है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट सॉरी म्यूटेबल है। अगर वो नहीं कर सकते तो आपका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इम्यूटेबल है। आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास एरर आ गया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट।
तो आप ये ऑपरेशन टपल पे परफॉर्म नहीं कर सकते हो। अब ये टपल एक बार बन जाती है, इसके बाद आप इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ इसमें से डिलीट नहीं कर सकते। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टी के अंदर कुछ नहीं ऐड कर सकता, टी क्या हमारा वेरिएबल है। अब मैं टी पहले टपल को रिप्रेजेंट कर रहा था, टी को अब मैं कर सकता हूँ टी इक्वल्स टू वन। मैंने वेरिएबल की लोकेशन चेंज कर दी, मतलब मैंने बताया था वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर है, इसके अंदर टपल पड़ा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर अभी टी इसको पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे एक और डब्बा था जिसके अंदर वन आ गया, टी को मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पे पॉइंट करवा दिया, बस दैट्स इट। बट मैं डब्बे के अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पे टी जीरो पे आपको यहाँ पे आपकी कुछ इंट में कन्वर्ट कर दिया, इस वजह से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। वापस से करते हैं इसको टी जीरो, तो यहाँ वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट टपल का। अब देखते हैं इसमें फंक्शंस कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। फंक्शंस के लिए हम चलाएंगे डी आई आर कमांड, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास होते हैं सिर्फ दो फंक्शन, दैट इज काउंट एंड इंडेक्स। तो देखते हैं काउंट फंक्शन क्या करता है। तो टी हमारी टपल थी, यहाँ पे हमने देखा टपल के अंदर मेरे को किसी भी वैल्यू को काउंट करना है कि वो कितनी बार आ रही है यहाँ पे, तो वो हम काउंट फंक्शन के साथ कर सकते हैं। तो वन अगर मैं बोलूँ तो एक बार आ रहा है, तो इससे थोड़ा इसका मतलब नहीं बनेगा, इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, फोर को रिपीट करते हैं। तो टपल में रिपीटेशन अलाउड होती है आपकी। तो अब देखते हैं कि फोर कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, तो आपके पास आ गया टू। तो बेसिकली काउंट फंक्शन से आप काउंट कर सकते हो कि कोई एलिमेंट कितनी बार आ रहा है आपके पास, ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन जो है उसमें वो है इंडेक्स। तो इंडेक्स आपको बताता है कि किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स क्या है तुम्हारे टप्पल के अंदर। तो लेट्स से यहाँ पे हमने जानना है कि थ्री का इंडेक्स क्या है, थ्री का इंडेक्स है टू। टू क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो वन की इंडेक्स क्या है, जीरो, टू का है वन, थ्री का है टू, तो इसीलिए आंसर हमारे पास आया यहाँ पे टू, ठीक है। तो आई होप आपको टपल के यही दो फंक्शंस हैं, एंड आई होप कि आपको टपल जो है वो समझ आ गया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उस कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय।